नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अयपुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर में दो दिनों से गायब बिजली मिस्त्री का शव झाड़ी में मिलने से मची हड़कंप। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग हत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। और सदर थाना क्षेत्र के पताई हवाई अड्डे के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला का पर्स छीन कर हुए फरार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अयपुर थाना क्षेत्र के छित भगवतीपुर ढाप की झाड़ी में दो दिनों से गायब बिजली मिस्त्री का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। रात में 1 बजे तक सुतली दू रात थकाली पिया के साथ सुतल थोड़ा सा पियाता है। मुजफ्फरपुर जिले में बिजली मिस्त्री की हत्या कर सबको फेंका, सबको जानवरों ने नोच नोच कर खा गए मांस। मुजफ्फरपुर जिले में दो दिनों से लापता बिजली मिस्त्री का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना को लेकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना अयपुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के छिट भगवतीपुर की बताई जा रही है, जहां दो दिनों से गायब बिजली मिस्त्री संजय कुमार का शव बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद अयपुर थाने की पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH भेज दिया गया है। घटना को लेकर मां अनिता देवी का कहना है कि संजय बिजली मिस्त्री का काम करता था। दो दिन पहले घर से अपने 4 दोस्तों के साथ घर से निकला था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। आज अगले सुबह हमारे छोटी लड़की के द्वारा जानकारी मिली कि हत्या के बाद सबको फेंक दिया गया है। वहीं घटना को लेकर अयपुर थाने के दरोगा राहुल कुमार का कहना है कि दो दिन से बिजली मिस्त्री संजय कुमार घर से लापता था, जिसकी हत्या कर सबको फेंक दिया गया है। सबको जंगल में होने की वजह से जानवरों के द्वारा नोची गई। मृत परिजनों के आवेदन के अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। रात में 1 बजे तक सुतली दू रात थकाली पिया के साथ सुतल थोड़ा सा पियाता है चरा। क्या नाम है लड़का? संजय कुमार। घर में झगड़ा उगड़ा भी किया था क्या? नहीं, काफी नहीं झगड़ा है। 21 साल। क्या करते थे? बिजली मिस्त्री का जगह तक काम करे तो लगा 1 रुपया ना दे तो घर नहीं आया तो मतलब पुलिस ने खबर नहीं दिए थे? हम ना खबर तो चल आवे तो 15 दिन भाग जाते रहे, चल आवे तो रहला का भागे से ना होय तो रहला का। कैसे मालूम चला आया? अभी हमार मजल छोट का बेटा के लाका को है। चार बजे स्पाइकर के कदर रहे तो लेकर करान संजय कुमार कहीं लकड़ी ढाई का है लड़का रहने वाला। संजय कुमार घर से वो 2 दिन पहले स्नान करके निकला था, घर वाले को कहना है 3-4 लोग के साथ में निकला था। आगे इनके बयान के आधार पे FIR दर्ज किया जाएगा। लास्ट देख के सर क्या लग रहा है प्रथम दृश्य में? क्या प्रथम दृश्य में लग रहा है? हत्या की गई है। हत्या की गई? हाँ, गर्दन पे क्योंकि रस्सी लपेटा हुआ है, ऊंचा बांधा हुआ है। हाँ, बॉडी है, एकांत जगह पे मिला है तो पशु कुछ खाए। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे FIR दर्ज करके देखा जाएगा। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग हत्याकांड मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। ब्रह्मपुरा मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। कहा पुलिस से करेंगे हाई लेवल जाँच की मांग। पप्पू यादव ने कहा पुलिस ने पीड़िता के परिवार के साथ की है ज्यादती। शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पप्पू यादव ने कहा जिस प्रकार सोलोनी की हत्या की गई उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पप्पू यादव ने ब्रह्मपुरा पुलिस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि FIR कराने में भी पुलिस ने आनाकानी की, जो जाँच का विषय है। वही उन्होंने कहा मृतका के परिवार पर जो मुकदमा किया गया है वो भी गलत है। वही उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से SIT की टीम बनाकर जांच करने की मांग की और जल्द से जल्द घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपके हर 4 दिन के बाद तो पप्पू यादव को आना पड़ता है मर्डर में।
इसका नाम मुजफ्फरनगर छोड़ के मौत नगर रख दीजिए, डर डरावना शहर है। यहाँ पर राज करते हैं एमएलए एमपी एक्स एमएलए एमपी एमएलसी, जिसको तिमन तिसको मारो, जिसको मन तिसको काटो, कभी सीओ को कभी उठवाओ कुठो फूटो कभी कुटो, ये सही थोड़ी है। और उसके बाद जिस तरीके से जाति धर्म मजहब का नाम लेके गाली गलौज होता है, भैया दो सांड की लड़ाई में किसी जाति का क्या लेना देना, दोनों एक मन बढ़ू एक पहले से दादा माफिया सब दारू पी करके नंगा नाच करता था, उस दिन भी सब दारू पी लेता, तो तुम दोनों की लड़ाई में तुम जाति का नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? तुम जानो तुम्हारा जस्टिस करे, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद एमपी एमएलए कहाँ गायब हो जाते हैं, तब मंत्री लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, हम नहीं जानते ये बेचारा कौन पार्टी का जाति है, अब तो जातियों पार्टी का हो गया है। मर्डर किसका होगा, कौन जात ने मारा, किस जात को मारा, पहले ये पूछता है लोग कि बोले कौन कौन जाति हो, अब मार लगे कौन जात हो, अब जाति के आधार पर मूल्यांकन बट बेटी का हो वो कौन जात है, हमको तो नहीं पता वो लड़का कौन जात है, कौन जात है बेटी बच्ची कौन है जात है, जो लड़का वाला जात होगा वो थोड़ा रुक गया होगा, जो लड़की वाला जात होगा वो थोड़ा बढ़ गया होगा। अब ये तो हालात है, सुरक्षित कौन है, जब सट्टा और मटका खोराक से लेके ड्रग्स डिलीवर बॉय से लेकर के अब 90% यूथ कर रहा हो और पूरा पुलिस इन्वॉल्व हो, सीआरपीसी से कोई मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन उनका काम है और आम आदमी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, और उल्टे जालिया वाला भाग कर दे तो हम न्याय चाहते हैं, एसआईटी की जांच चाहते हैं, अविलंब पांचों की गिरफ्तारी। स्टेशन रोड जिला परिषद मार्केट स्थित कुरियर कंपनी में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया। छापेमारी करी है और छापेमारी में हमें यहाँ शराब बरामद हुई, अभी आगे की कार्रवाई चल रही है और किसके नाम से ये गोडाउन अलॉटेड है और कौन कौन इसके मालिक है ये सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम आगे की जानकारी। किस जगह पे जो है यह बरामद हुआ है? ये जिला परिषद का गोडाउन है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शराब कारोबारी शराब कारोबार करने को लेकर रोज नए नए हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट में एक कुरियर कंपनी के द्वारा शराब की बड़ी खेप पहुँची है। वहीं सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग की टीम ने जिला परिषद मार्केट के एक कुरियर कंपनी के गोदाम पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। आपको बताते चले कि मामला सरकारी भवन के होने के कारण मद निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी स्थल पर मजिस्ट्रेट के तौर पर DCLR पूर्वी विनीत कुमार के समक्ष छापेमारी की सारी प्रक्रिया पूरी की। वही मामले की जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट सह DCLR पूर्वी विनीत कुमार ने बताया कि मद निषेध विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट के एक कुरियर कंपनी के गोदाम में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पहुंची है। वहीं सूचना के आलोक में मद निषेध की टीम ने छापेमारी करते हुए जिला परिषद मार्केट से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं बरामद शराब का मिलान कराया जा रहा है, साथ ही मद निषेध विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सबने मिलकर छापेमारी करी है और छापेमारी में हमें यहाँ शराब बरामद हुई, अभी आगे की कार्रवाई चल रही है और किसके नाम से ये गोडाउन अलॉटेड है और कौन कौन इसके मालिक है ये सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम आगे की कोई जानकारी दी। तो सर किस जगह पे जो है यह बरामद हुआ है? कहाँ पे? जिला परिषद का गोडाउन है, जो दुकान है और किसी को आवंटित है ये, अब किनका है नहीं है ये सारी जानकारी लेने के बाद ही हम उस पर कुछ विशेष
टिप्पणी दे पाए। कुछ लोगों को कितने गोदाम है जिन पे छापेमारी की गई और शराब बरामद हुई है? अभी एक गोडाउन पे हुआ है, बाकी और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जैसे सारी जानकारी मिलेगी हम आपको भी सूचना। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, हिरासत की बात नहीं, बस गवाह जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी के या जो लोग आसपास के थे बस गवाहों का गवाह लिया बयान लिया गया है और उनसे उनके सामने सूची तैयार की जाएगी ताकि हमने क्या क्या बरामद किया सारा सूची तैयार करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करें। शराब को कैसे रखा गया, किस प्रकार से छुपाया गया? वो जैसा आपके सामने पेटी में रखा गया है, कुरियर के थ्रू लाया गया था यहाँ पे, अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। कितने कितने कार्टून शराब है लगभग? अभी तो काउंटिंग चली रही है, हमें जितनी जानकारी मिली। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। की रात में हम लोगों का अनुसंधान वहां से प्रारंभ हुआ। उस कांड में 103-23 एक केस दर्ज हुआ है ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत, और इस कांड के अनुसंधान में उस एरिया में जो भी टेक्निकल एविडेंस हैं, जो फुटेज हैं, उनको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। और परिवार के सदस्यों से, जो मृतिका सलोनी है, उनके दोस्तों से, जो 13-14-15 साल की उम्र के लोग हैं, किन लोगों से उनकी बात होती थी, इन लोगों पर, और जिन प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम दिया घर वालों ने, उनकी इस कांड में क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ब्रह्मपुरा कांड में पुलिस ने SKIMS CH से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले ली है। छात्रा के गले की हड्डी टूटी हुई थी, ठुड्डी के नीचे काला निशान था, सांस रुकने से मौत हुई, पोस्टमार्टम से 30 घंटे पहले मौत हुई, फेफड़े में पानी नहीं था, यानी डूबने से मौत नहीं हुई है। पुलिस को आशंका है कि जिस रात छात्रा घर से निकली उसी रात उसकी हत्या कर दी गई, यानी 28 मई की रात हत्या की गई और 29 मई को दिन भर सब छिपा कर रखा गया। उसके बाद 29 मई की देर रात सबको पानी में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले में गिरफ्तार कांटी के छात्र से पूछताछ के बाद पुलिस ने अब छात्रा के करीबियों की भी जांच के रडार पर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को छात्रा के अपहरण के आरोप में नामजद कांटी के आरोपित छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि मृत छात्रा से उसकी दोस्ती थी, वह उससे कॉल पर बात करता था। जिस दिन छात्रा घर से निकली थी उस रात भी उससे लंबी बात हुई, व्हाट्सएप चैटिंग भी किया था, लेकिन उसका सब मिलने की सूचना के बाद छात्र ने डर से मोबाइल चैटिंग डिलीट कर दिया था। पुलिस ने छात्र का मोबाइल जब्त कर लिया है। छात्रा की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने दो अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन दोनों से भी छात्रा काफी देर तक बातें करती थी। पुलिस अब करीबियों के मोबाइल कॉल भी खंगाल रही है। 28-29 की रात में हम लोगों का अनुसंधान वहां से प्रारंभ हुआ। उस कांड में 103-23 एक केस दर्ज हुआ है ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत, और इस कांड के अनुसंधान में उस एरिया में जो भी टेक्निकल एविडेंस हैं, जो फुटेज हैं, उनको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। और परिवार के सदस्यों से, जो मृतिका सलोनी है, उनके दोस्तों से, जो 13-14-15 साल की उम्र के लोग हैं, किन लोगों से उनकी बात होती थी, इन लोगों पर, और जिन प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम दिया घर वालों ने, उनकी इस कांड में क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक, जो मृतिका सलोनी के क्लासमेट बताए जा रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए हम लोगों ने फिलहाल डिटेन किया हुआ है। अगर हमको लगता है कि उनकी इस कांड में कोई भूमिका है तो हम लोग उनको फॉरवर्ड करेंगे, और आवश्यकता होगी तो पुनः पूछताछ के लिए हम लोग पुलिस रिमांड पर उनको लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का कांड है कि हो सकता है उनके भागने की संभावनाएं भी हों, लेकिन मुख्य अभियुक्त फिलहाल पुलिस के पास है और हम लोगों के कांड के अनुसंधान में उनसे महत्वपूर्ण क्लू और सुराग हम लोगों को मिल सकता है। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला पर स्प्रे छिड़क कर बेहोश कर लाखों के जेवर लूट लिए। जिले में अब क्राइम पेट्रोल के तर्ज पर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। सेल्समैन के रूप में पल्सर बाइक से आए दो बदमाशों ने बिल्डिंग ठेकेदार कुणाल चौधरी की पत्नी दिव्या चौधरी के मुंह पर स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया, फिर लाखों रुपए के जेवर और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना गुरुवार की दोपहर सदर थाना क्षेत्र के पताही LP शाही कॉलेज की समीप की है,
जानकारी के अनुसार घटना के वक्त महिला दिव्या घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने पहले दरवाजा पर लगे बेल को बजाया। जब महिला घर से निकली तो उन्हें बातों में उलझाकर स्प्रे मारकर घटना को अंजाम दिया। देवर विक्की कुमार जब घर पहुंचा तो उसका होश उड़ गया। देखा कि भाभी दिव्या जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। उन्होंने मुंह पर पानी मारकर उठाया, तब जाकर यह मामला सामने आया। पड़ोस के एक घर में लगे सीसीटीवी में दोनों बदमाशों और उसकी बाइक की तस्वीर कैद हो गई है। घटना की शिकायत महिला ने अपने पति के साथ जाकर सदर थाने में दर्ज कराई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई है। फिलहाल इस फिल्मी लूट की शिकायत आने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में पुलिस जुट गई है। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित महिला दिव्या चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे बेल बजा। उनको लगा कि दूध वाले का आने का समय है। उन्होंने दरवाजा खोला, पाउडर बेचने के बहाने दोनों व्यक्ति घर के अंदर आ गए। बात करते करते दोनों ने उनके मुंह पर स्प्रे मार दिया, वह बेहोश हो गई। इसके बाद दोनों व्यक्ति ने उनके शरीर से सभी जेवर लूटकर भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब देवर आए तो वो देखा, तब पानी छिटक कर उन्हें उठाया। फिर सामने वाले के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें दोनों व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिखा। जिस बाइक से वो दोनों आया था उसका भी नंबर दिखा। इधर सदर थाना के प्रभारी थानेदार मनोहर कुमार ने बताया कि महिला के शिकायत के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मतलब कि आज दोपहर में 12 बजे के करीब में दो अनोन लोग आए थे, जो सेल्समैन जो घूमते रहते हैं उसी टाइप से आए थे, और दोपहर में अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही हम काम कर रहे थे, डोरबेल बजाए और अकेले थे घर पे। हम गेट जैसे ही खोले तो वो दोनों लोग अंदर आए और बोले कि कुछ पाउडर ब्लीचिंग टाइप कुछ बेचना है, ये लेना है। जब तक हम कुछ बोलते तभी तक कुछ ऐसा स्प्रे किए कि हम अनकॉन्शियस हो गए। और उसके बाद मेरे हम जो भी ज्वेलरी वेयर कर रखे थे वो सब ले गए। उसमें एक चेन था, एक डायमंड रिंग था और एक डायमंड का जो था पेंडेंट था और मंगलसूत्र और एक गोल्ड रिंग था। मतलब लगभग 1,20,000 करके। पहले से भी कभी रेकी वगैरह किया था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो लोग आने से पहले और भी घरों पे वो लोग गए थे, और भी घर पे जाके वहाँ पे बेल बजाया था, लेकिन लोगों की आवाज वैसी नहीं आई तो वो लोग नहीं रिस्पॉन्स लिया। ये दूध वाले का ही इंतजार कर रही थी नीचे में, और काम भी था तो वही गेट खोली, उसको लगा दूध वाला आया होगा, उसी क्रम में गेट खोली, वो बात करते हुए अंदर घुस के इस पर केमिकल स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से ये घटना घटित हो गई। और हम लोगों ने सीसीटीवी मेरे घर के सामने ही सीसीटीवी लगी हुई, तो उसमें हम लोगों ने चेक किया, जिसमें कि चेहरा लगभग क्लियर आ रहा है, और गाड़ी जो एक पल्सर बाइक यूज़ कर रहे थे वो लोग, उसका नंबर भी लगभग हम लोगों ने पहचाना है, जो शायद कटिहार का नंबर दिख रहा है। विश्व तंबाकू दिवस पर समरणालय सभा कक्ष में तंबाकू छोड़े परिवार से जुड़े विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। समरणालय सभागार में तंबाकू छोड़े परिवार से जुड़े कार्यक्रम के ओरिएंटेशन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी प्रखंडों के पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे। प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि तंबाकू छोड़ने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। जिस प्रकार चमकी बुखार से बचने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य किए हैं, ठीक उसी तरह तंबाकू छोड़ने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज पटना के डायरेक्टर ने बताया कि शहर के साथ साथ गांव-गांव तक तंबाकू को लेकर जागरूक करना होगा, तब जाकर जिले में तंबाकू पर नियंत्रण हो पाएगा। कमेटी जो बनी हुई उनको फिर से निर्देश दिया गया, सभी लोग जाकर के जांच करेंगे और उसकी मंथली रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहां पर किस किस इलाके में कितनी जांचें हुई, कितना जुर्माना लगाया गया और कितने लोगों पर क्या कार्रवाई की गई, ताकि जो भी एक्ट में प्रावधान है उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अपील क्या रहे? लोगों से हमारी यही अपील है कि देखिए, एक तो चीज़ है कि कानून है और उसको आपके ऊपर लागू किया जाए, पर उससे भी ज़्यादा बढ़ के इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इससे न सिर्फ उनके बल्कि उनके बच्चों, उनके परिवार वालों के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और कितने ही परिवार इस तंबाकू के सेवन से जनित जो बीमारियां हैं उनके कारण बर्बाद हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कानून के भय से नहीं, अपितु अपने परिवार के प्रेम और स्नेह के कारण उनको ये आदतें और तंबाकू का प्रयोग निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए, मेरी सभी लोगों से यही अपील है। इकोनॉमिक स्टडीज जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र में तंबाकू के नियंत्रण को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, इस सिलसिले में हम लोग आज इस बैठक को किए थे।
और हमने जिला पदाधिकारी को यही बताया है कि जब तक गांव को आप तंबाकू मुक्त या स्मोक फ्री नहीं करेंगे पूरे जिला में उसका असर नहीं। जैसा आप सभी जानते हैं कि 90% लोग गांव में रहते हैं, तो ये सभी कानून का जो है सो पालन सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट भी किया है कि पंचायत लेवल पर आप इसकी एक कमेटी का गठन कर दें और वहाँ पर एक छापामार दस्ता बना दें, तो अगर वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो पूरे जिला को ये रिफ्लेक्ट बताएगा कि आज आपकी तंबाकू के सेवन में कमी आई है। लेकिन सिर्फ ऐसे हम लोग बराबर शहर मुजफ्फरपुर जिला को स्मोक फ्री कर दिए, लेकिन वो सिर्फ शहरों के तरफ, गांव में आज भी आप देखेंगे सभी स्कूल के बाहर में मिलता रहेगा तंबाकू। तो इसीलिए मेरा आज का आने का सबसे बड़ा प्रयास यही था और हम लोगों ने यही आज बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में फोकस हो, आज मुझे बहुत खुशी है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके साथ और दो वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। दो वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहाँ आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहां उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5-65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय
सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए है। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाइएस्ट आप चले जाइए 3000 4000 10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो स्विफ्ट डिजायर क्रेटा बोलेरो इनोवा फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर एक से दो साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पताही हवाई अड्डे के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने निजी कंपनी में कार्यरत कर्मी की पत्नी से छिनतई कर ली है। वो अपने पति और बच्चों के साथ ऑटो से घर जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। महिला से नकद समेत पर्स की छिनतई कर ली है। पीड़ित महिला दरभंगा जिले के बेनीपुर की रहने वाली मधु झा है। वह वर्तमान में अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में रहती है। उनके पति प्राइवेट जॉब करते हैं। महिला आज सरैया से ऑटो पकड़कर अपने घर जाने के लिए निकली थी।
इसी बीच सदर थाना के पताही हवाई अड्डा के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने 6,000 रुपए कैश, सोने का लॉकेट और कागजात लेकर फरार हो गए। महिला ने सदर थाना में लिखित शिकायत दी है। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा पर्स छीन लिया है। कहां पर छीन लिया? पता ही नहीं। अच्छा, कहां से आ रहा है? सरैया से। कहां के रहने वाली है? दरभंगा जिला। कहां? दरभंगा जिला में कहां? बेनीपुर। बेनीपुर में। तो यहां सरैया में मेरे हस्बैंड काम करते हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, वहीं पर आती है। हाँ। वहाँ से घर जा रही थी। हाँ। क्या चीज से जा रहे थे घर? टेम्पू। कौन चीज से थे अपराधी जो छीन के भागे हैं? बाइक से था, दो था। एक बाइक से दो आदमी थे। हाँ। क्या क्या ले गया? मोबाइल था, मेरा लॉकेट था, पैसा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ उसी में था। जिले में गर्मी का प्रकोप जारी है। तीसरे दिन भी पारा 40 के पार रहा। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए कई जरूरी निर्देश दिए। शहर में दिन ब दिन गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लगातार तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। गर्मी और लू के बढ़ने के प्रकोप को देखते हुए मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि तेज धूप के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वही उन्होंने बताया कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर में ही रहे और धूप और लू से बचे। अगर घर के बाहर जाना हो तो भरपूर मात्रा में पानी पीकर निकले। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप बच्चों को प्रभावित कर सकता है और चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए इस गर्मी में बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों से हम तो पहले चाहेंगे कि धूप से पहले बचे, अपने बचने के पहले अपने बच्चों को बचाएं, धूप में नहीं जाने दें, और जाना बहुत जरूरी हो तो पानी पिला कर करके जाएं, या अपने भी जाएं धूप में तो पानी पी करके जाएं, पूरा तन को सूती कपड़े से ढक कर करके जाएं। आवश्यक, बहुत आवश्यक हो तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। और बच्चे में खास करके जैसे धूप बढ़ेगी AIDS का संक्रमण का चांस बढ़ जाता है, इसके लिए तुरंत उसको नज़दीक में अगर कोई लक्षण आता है तो नज़दीक का जो भी स्वास्थ्य का हमारा तंत्र है उस तंत्र को तुरंत खबर करें ताकि विलम्ब नहीं हो। अगर AIDS का प्रकोप धूप के चलते बढ़ता है तो उसको नियंत्रण किया जा सके, जान माल का नुकसान नहीं। क्या स्थिति है AIDS की अभी? अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको केस है अभी तक 30 केस हुआ है, जिसमें 19 मेरा मुजफ्फरपुर का है, 11 अन्य जिलों का है, 11 में 6 अकेले सीतामढ़ी का है, और डेथ एक भी नहीं है। ये हम लोगों की बड़ी उपलब्धि है। और मेडिकल कॉलेज में अभी स्टे किसी भी 30 में किसी में बहुत ज़्यादा स्टे नहीं हुआ है। 2-3 बच्चे जो दूसरे ज़िले के आए हुए हैं वो अभी स्टे हैं, जिनमें कोई मेनजाइटिस का लक्षण निकला था या उससे खुली है, वो भर्ती है अभी, नहीं तो मुजफ्फरपुर के सब जो है सो घर पर जाते हैं। लू लगने के बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि बुखार बढ़ता है और उसमें लवण का और जल का उसमें शरीर में कमी हो जाती है, तो इसको पूर्ति के लिए नमक चीनी का घोल या ORS जितना अधिक से अधिक ले सकें और ठंडा में रहें। जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने वन विभाग कार्यालय परिसर में कीमती लकड़ी बेचने के आरोप में DFO का पुतला जलाया। जिले में संचालित अवैध लकड़ी मिल एवं तिरहुत प्रमंडल के वन पदाधिकारी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने शुक्रवार को जिला वन विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वन विभाग के पदाधिकारी का पुतला दहन किया। वन विभाग के पदाधिकारी पर करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी के गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि सैकड़ों कीमती लकड़ी को तिरहुत वन पदाधिकारी ने अवैध रूप से बेच दिया है। वन विभाग की जाँच रिपोर्ट में भी बात सामने आई है कि भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा करोड़ों रुपए की लकड़ी को अवैध तरीके से बेच दिया गया है। पुतला दहन के बाद जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि वन विभाग के ना के नीचे जिले में अवैध लकड़ी बिक रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। साथ ही कीमती लकड़ियों को अवैध तरीके से वन विभाग के पदाधिकारी बेच देते हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अवैध तरीके से लकड़ी को बेचने पर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होती है। हम लोगों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर भ्रष्टाचार वन पदाधिकारी और जिले में चल रहे अवैध लकड़ी मिल पर कार्रवाई किया जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पूरी जिला जांच इकाई के कुशल मार्गदर्शन में जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत तिरहुत प्रक्षेत्रीय वन विभाग का कार्यालय है, और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त जिलेवासियों को, यहाँ के पदाधिकारियों को और खास करके क्षेत्रीय प्रक्षेत्रीय वन प्रमंडल पदाधिकारी जो थे उनको हम लोगों ने लिखित रूप में
आज से 4-5 दिन पहले यह सूचना दिया था कि मुजफ्फरपुर जिले के अंदर कन्हौली से लेकर के लेप्रोक्सी मिशन तक महोगनी की 5-5 और 6-6 फीट की मोटी लकड़ियां जो 50 से अधिक की मात्रा में थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है, परंतु उस लकड़ियों को उठा करके डीएफओ के पूर्व डीएफओ के अभिषेक कुमार के द्वारा कंपनी जो कार्य कर रही थी 2 लेन 1 लेन सिंगल लेन की सड़क की, उस निर्माण एजेंसी के बेस कैंप में उसको लूट करके चोरी करके बेचने के नियत से 1 वर्ष से अधिक समय तक वहां रखा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बैठक कर 5 जून को स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिजली विभाग कार्यालय में धरना देने का ऐलान किया। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बिहार सिविल सोसाइटी लगातार मुहिम चला रही है। इसी के तहत शुक्रवार को श्रेयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में उपभोक्ताओं के साथ बैठक की गई। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 5 जून को बिहार सिविल सोसाइटी रामदयालु बिजली ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि बिहार सिविल सोसाइटी प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग कर रही है। सोसाइटी का कहना है कि पहले की तरह ही पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं को लगाया जाए। जिन उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाया गया है वहां से प्रीपेड मीटर को हटा दिया जाए। इससे पहले भी बिहार सिविल सोसाइटी ने आंदोलन के तहत संगोष्ठी और बिजली विभाग की अर्थी जुलूस निकाला था। अब अगला कार्यक्रम बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना है। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि कंपनी प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को लूट रही है। बिजली विभाग ने प्राइवेट कंपनी को मीटर लगाने का ठेकेदारी दिया है, जो यूनिट को बढ़ा दिया, उपभोक्ताओं से राशि लूट रही है। जब तक प्रीपेड मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगाया नहीं जाता, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं पर झूठा मुकदमा किया गया है, उसे भी वापस लिया जाए। देखिए, हम लोग आज मीटिंग यहाँ रखे हैं, आगामी 5 तारीख को जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसी को कैसे रूपरेखा दी जाए, उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज बैठक रखी है और बैठक में सभी संगठन लोग आए हैं और उस पर चर्चा हुई है। हम लोग का आचार्य महोदय ने जो जितना विस्तार से बताया है आपने सुन भी लिया, सभी जनता सुनेगी भी, लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि जब तक मीटर नहीं हटेगा, काला मीटर नहीं हटेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, चाहे जो हो जाए इसके लिए। और जनता सड़क उतर गई है और उतरने वाली भी है, और इसके प्रथम चरण में आप लोग देखे हैं धरना प्रदर्शन किए, हम लोगों ने अर्थी जुलूस निकाला है, फिर भी बिजली विभाग के किसी अधिकारी के कान पर जू रेंगा नहीं है। दूसरा, हम लोग दूसरे चरण का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और तीसरा, जो जावेद जी बैठे हुए हैं मारीपुर से हैं और लोग भी हैं, 12 तारीख सोमवार को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक व्यवसायी को भी दिक्कत ना हो, हम लोग मुजफ्फरपुर के पूरी मुजफ्फरपुर के जितने व्यवसायी हैं, जितने भी लोग, सब लोग बंद रखेंगे, उसका आग्रह करेंगे, क्योंकि सभी लोग इस मीटर से, काला मीटर से ग्रसित हैं। और जो मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ निवेदन रहेगा, कृपया आप आए, और चूंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है, जनता जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए आप लोग कृपया आए और समर्थन करें। इसमें ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल इसमें नहीं है, कोई न राजद, न जनता दल यू, न भाजपा, किसी भी का पार्टी का नहीं है, इसलिए आप लोग जुड़े। चूंकि आप लोग बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में लगभग 1 महीने से जो प्रीपेड मीटर की समस्या है उसको लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं, और हमारा एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है प्रीपेड मीटर हटाओ पोस्टपेड मीटर लाओ। इसके प्रथम चरण में हम लोगों ने जनसंवाद किया और उससे जो निष्कर्ष निकला है उस पर ध्यान नहीं देने के कारण, और विशेष रूप से जो हम लोगों ने 9 सूत्री मांग पत्र 5 मई 2023 को बिजली विभाग के मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों से लेकर पटना यानी राज्य स्तर के पदाधिकारियों तक हम लोगों ने दिया और उसका किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं आया है, तो अब सड़कों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत पिछले दिनों हम लोगों ने बिजली विभाग का आर्थिक जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम किया, और अब आगामी कार्यक्रम है 5 जून को हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। 4 जिले का जो मुख्यालय है बिजली विभाग का, जिसे अंचल कार्यालय सर्किल ऑफिस के नाम से जानते हैं रामदयालु नगर में, वहां पूरे दिन का धरना प्रदर्शन है, और 5 सूत्री मांगों को लेकर वहां पदाधिकारियों को के चारों तरफ हम लोग घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे,
और उनको इस बात को मानने के लिए मजबूर करेंगे। उसमें मुख्य बिहार विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही गेस्ट लेक्चरर की बहाली प्रक्रिया पर छात्र नेता चंदन यादव ने रिजर्वेशन रोस्टर का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार विश्वविद्यालय गेस्ट लेक्चरर की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2021 के वैकेंसी के आधार पर गेस्ट लेक्चरर की बहाली की जा रही है, लेकिन गेस्ट लेक्चरर के बहाल होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। गेस्ट लेक्चरर की बहाली में रिजर्वेशन रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। पाली में रिजर्वेशन रोस्टर को पालन नहीं करने से नाराज छात्र राजद ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। छात्र नेता चंदन यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2021 के वैकेंसी के आधार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर की बहाली शुरू हो गई है। बहाली के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया जा रहा है, लेकिन इस बहाली में रिजर्वेशन रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। जब इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए कमिश्नर के यहाँ फाइल भेजी गई है जो अभी तक नहीं आई है। फाइल आने के बाद रिजर्वेशन रोस्टर का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए चंदन यादव ने कहा कि जब रिजर्वेशन रोस्टर ही नहीं आया है तो किस आधार पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे साफ जाहिर होता है कि रिजर्वेशन रोस्टर की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि पहले रिजर्वेशन रोस्टर के नियम का पालन हो, फिर गेस्ट लेक्चरर की बहाली हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के प्रांगण में बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटी के द्वारा गेस्ट लेक्चर 2021 के वैकेंसी के आलोक में जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें रोस्टर का अभी से कहीं से क्लियरेंस नहीं है। जबकि किसी भी नियुक्ति में रोस्टर की प्रक्रिया को पूरी करनी होती है, क्योंकि सरकार का ये मानक है कि भाई रोस्टर को क्लियर करिए, उसके हिसाब से आप सीट को दिखाइए दर्शाइए, तभी हम नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे। मैंने जब विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल किया तो इन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा है, लेकिन पूर्व की भी जो नियुक्ति हुई है 2018 के वैकेंसी के आलोक में 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ उसमें भी रोस्टर क्लियरेंस नहीं है और 3 बार मेरिट प्रकाशित किया गया। तो इस बार भी वही जो ये लोग करना चाहते हैं, छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से भी इन चीज़ों का विरोध कर रही है, इस बार हम पूरे तरीके से हम लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। जब तक ये रोस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे हम लोग नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि सरकार का ये मानक है, सरकार के अब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। तो ये आनन फानन में ये कुलपति महोदय कुछ अपने सहयोगियों के द्वारा जो तहसीलदार हैं वो तहसीलने के लिए पैसा तहसीलने के लिए उन लोगों को रखे हुए हैं, उनके माध्यम से ये नियुक्ति की प्रक्रिया आनन फानन में पूरा कराना चाहते हैं, जो सरासर नियम के खिलाफ है, सरकार के विरोध में है। ये सरकार के विरोध में इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, ये बात हम लोग सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।